हो रहा है, ये क्या हो रहा है? मेरी इज्जत रख लो यार, प्लीज नहीं करो ना यार। मैं अलग अलग प्लेटें बना के दे दूँ ना, प्लीज ऐसे नहीं करो ना प्लीज। सर बात तो कर लो। अच्छा बैग, स्कूल बैग तो ले जाओ। लोगों का ना आज पेपर है, सो प्लीज आप लोग दुआ पढ़ लो। रब्बे जिदनी इल्मा या अल्लाह मेरे। अस्सलामुअलैकुम। ये आज हमारे घर पर आ रहे हैं इकरा के घर वाले भाई, इकरा की ईदी वगैरह लेकर। खाना जो है हमने घर में सब कुछ घर में बनाया हुआ है। यहाँ पर जो है हमने ट्रॉली वगैरह पूरी रेडी कर दी है, और खाने में हमारे पास क्या क्या बनाया है ये मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। ये आप क्या करना चाह रहे हो? ये आप अपनी व्लॉगिंग क्यों अलग से स्टार्ट कर लिया अपनी? ये गलत बात हो गई है, बहुत ज्यादा गलत बात हो गई है। खान हमारे घर पर आए तकरीबन, अभी बज रहे हैं 11:15 और 11:30 तक आने वाले, और हमारा पंखा खराब हो गया तो पंखा भी लगने वाला है। सबके घरों में यही मसला होता है, कोई आने वाला होता है और चीज़ ख़राब हो जाती है। ये मैंने बनाया हुआ हरे मसाले का पुलाव। बुलाया भाई को देख रहा हूँ, भाई मेहमान आए पर हमारे घर के मेहमानों को ज़्यादा भूख लगी, जल्दी से जाओ देकर आ जाओ। ये क्या हो रहा है? ये घोड़ा गाड़ी कहाँ जा रही है? कितने की सवारी है? परी से जुल्म नहीं करो भाई पे प्लीज यार। थक गया। यहाँ पर अभी पूरा टेबल सेट हो रहा है भाई। आप खाओगे तो मेहमान क्या खाएंगे? चलो आप खा लेना। क्या खाना है आपको, जल्दी से बताओ। खाना खाना है ठीक है। मैं आप लोगों के लिए आलू और राइस निकाली हूँ अलग से, पर मेहमानों के साथ नहीं बैठना है प्लीज। मेरी इज्जत रख लो यार, प्लीज नहीं करो ना यार। मैं अलग अलग प्लेटें बना के दे दूँ ना, प्लीज ऐसे नहीं करो ना प्लीज 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 सुननी ही है। तो जी मेहमान हमारे चले गए हैं। बोले जी भाई हमारा पंखा भी लग गया, यहाँ पर जो हमारी एक लाइट भी लग गई है। मेहमान आते ना तो एक ऑटोमेटिकली घर में तरक्की आने लगती है। और इस वक्त तकरीबन 2:30-3 हम लोग सहरी के टाइम पे, तो मैंने लस्सी वगैरह बनवाई है। प्यारे से भाई साहब सो जाओ ना। ओके सो जाओ ना, स्कूल का टाइम है। खाली ओके बोल रहे हो व्लॉग में और फिर सो गए नहीं आप, सो जाओ प्लीज। टाइम क्या हो रहा है पहले बताओ? क्या बज रहे हैं? दाल चावल बज रहे। टाइम में भी खाना नजर आ रहे हैं, टाइम में भी खाना नजर आ रहा है, पता नहीं क्या टाइम अभी हो रहा है तकरीबन 3:30 का, और बिलाल अब तक आए नहीं है। तो जब तक बिलाल आ रहे हैं जब तक मैं अपना एक सुपारा खत्म कर लेती हूँ। नहीं लाइट लगी है हमारे घर पे तो वो चलाना बनती है ना। कुरान शरीफ के सुपारे रखे हुए हैं और हम सब उसमें से जिसको जो जो पढ़ना होता है तो वो एक एक करके उसमें उठाता रहता है और पढ़ता रहता है। देखिए मैं कुरान शरीफ पढ़ी हूँ, और यहाँ पे ये दोनों मैं समझ रही थी कि ये दोनों के दोनों सो चुके हैं अम्मी के पास, और यहाँ ये दोनों चिप्स खा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हो? सो जाओ ना प्लीज, सुबह स्कूल है। जब से रमजान शुरू हुए ना दोनों ने अपनी रूटीन ही आउट कर दी है। पर खैर सुबह बेचारे उड़ जाते हैं, आप लोगों ने देखा भी है, माशाल्लाह रोते नहीं है। क्या कर रही हो परीशे? तो जी मेरे शहजादों का आज टेस्ट है, बस उसी की तैयारी कर रही हूँ कि दोनों फटाफट स्कूल पहुँच जाए। अभी जो है इनका ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी हो रहा है, यहाँ पर अभी चाय बन रही है इनका ऋषि के लिए। नाश्ता की वगैरह वो लोग ना मुझसे बात भी नहीं करते हैं। तो जी आज का तो व्लॉग वो स्पेशल इसलिए है, सुबह सुबह बना रही हूँ मैं, क्योंकि आज है हाइम और परीशे का फर्स्ट पेपर। तो ये रहे भाई हाइम परीशे। हेलो परीशे, कैसी हैं आप? ठीक हो? कैसी हो? ठीक हो? हेलो हाइम, आप कैसे हैं? हेलो हाइम खान, हाँ नाराज़ है भाई। तो भाई हाइम की नाराजगियाँ बढ़ी हैं, माशाल्लाह बिस्किट खा लिया भाई साहब ने, मगर अब ख़त्म हो गया तो नहीं वही बिस्किट खाना, कह रही हूँ दूसरा खा लो नहीं वही खाना है। हाइम हेलो, आज परीक्षे का पेपर है ना भाई, अच्छा अच्छा पेपर दोगी ना? पक्की बात है ना, है ना? तो सर बात तो कर लो। अच्छा बैग, स्कूल बैग तो ले जाओ अपना। क्यों छोटा? अरे उल्टा नहीं पहना है मम्मा, सीधा पहना है बिल्कुल, लेफ्ट पे लेफ्ट और राइट पे राइट है, क्या हो गया माँ? अरे बिल्कुल सही पहनाया है मैंने, देर हो रही है। वो फोर है, सही हो गया ना परीक्षा? अब सही हो गया ना बैग पहना तो शाबाश। चलो ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे, यहाँ से पकड़ो, घुमो 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 घुमो, चलो पहन लो शाबाश। भैया का आप क्यों लेके जा रही हो? हैं वो नाराज है, उसको छोड़ दो परीक्षा। चलो आई बैग पहन लो,
मैं नहीं पहना रही ना, परिशे पहना रही, मैं थोड़ी ना पहना रही, बैग पहनो शाबाश चलो। A few moments later. हाय मी, आपका थर्मोस आ गया। लंच में, लंच में है सैंडविच और बर्गर, बर्गर डालिए, जेली डालिए, ये सब चीजें डालिए। ओके, बर्गर मायोनीज चिकन वाला, ठीक है। चलो ये थर्मोस किसका है? परिशे थर्मोस। लोगों का ना आज पेपर है, सो प्लीज आप लोग दुआ पढ़ लो। रब्बे जिदनी इल्मा, या अल्लाह मेरे इल्म में जामा फरमा, इजाफा फरमा। आमीन। हाँ जल्दी से शूज पहने बेटा, बाबा आगे, फास्ट 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 मेरा बेटा। शाबाश 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 शाबाश, भागो 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 भागो। परेश आपने बोला ही नहीं मुझे, क्या बोल के जाते हो स्कूल? अन्ना के बान। आपने भी नहीं बोला परिशे? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह के बान, अल्लाह हाफिज़। लॉलीपॉप दिलाना? नो लॉलीपॉप। उनके तो डिमांड 24 घंटे चल रही होती है, अभी जाने के टाइम भी लॉलीपॉप चाहिए हाँ इनको। तो जी पहली बार जब से इनके टेस्ट वगैरह तो होते रहते, पर पेपर आज हम लोगों का पहली बार है, तभी मैं थोड़ी सी ज़्यादा वो हूँ कि पता नहीं कैसा रिजल्ट आएगा। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं आई परीक्षा, क्योंकि बच्चे अपना स्कूल वर्क भी करते हैं, और अगर मैं व्लॉगिंग के हिसाब से बात करूँ, हमें घूमना होता है, फिरना होता है, उस हिसाब से भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। पर अभी मुझे कुछ नहीं पता कि दोनों क्या पेपर देते हैं क्या नहीं देते, सो ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, ये तो मुझे पता। 9 बजे ये लोग निकल चुके हैं और मैं उनसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, जबकि उन्हें कुछ भी नहीं पता पेपर क्या है, क्योंकि प्रिपेयर वो है मगर उनको कुछ नहीं पता कि पेपर होता क्या क्या है। आज पहला एक्सपीरियंस उनके लिए भी, तो अभी रेस्ट करते हैं और उनके आने का इंतज़ार करते हैं। सुबह 12 हो रही है और आई परीक्षा आ चुकी है घर पर। पेपर कैसे गया मेरी बेटी का? है? पेपर कैसे गया मेरी बेटी का? मैं वाव किया। वाव किया मेरी बेटी ने? मम्मा चेक करती कि आपने वाव किया या नहीं किया, ठीक है? किया। आपने पेपर कैसे दिए? पेपर कितना अच्छा दिया? बहुत वाव दिया। पक्की बात है, मैं भी चेक करूंगी, आपके पेपर आए हैं मेरे पास, ठीक है। चलते और आई परीक्षा का बैग वैग चेक करते हैं जी। बहुत टेंशन थी कि भाई पेपर कैसे देंगे, पर इन्होंने बिल्कुल परफेक्ट पेपर दिया। परीक्षा ने हर जगह भाई बिल्कुल मार्क्स लिए हुए, और इनके टोटल जो मार्क्स आए वो हैं एक्सीलेंट के साथ 20 out of 20। सेम हाइम का है, हाइम ने भी फुल मार्क्स लिए भाई, एक्सीलेंट, जबरदस्त।